सो वेलकम बैक टू द पार्ट टू ऑफ आवर पेपर सॉल्विंग सेशन। कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 50 डिस्कस किए थे, तो आज उनका अगला भाग सॉल्व करेंगे। कल समय के अभाव की वजह से पार्ट 2 नहीं अपलोड कर सके, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। सो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। क्वेश्चन नंबर 51, जॉइंट सर्फिसज दैट डिस्प्ले अ रेगुलर पैटर्न ऑफ सटल रेजेस एंड ग्रूव्स डाइवर्जिंग फ्रॉम ए पॉइंट और अ सेंट्रल एक्सिस आर नोन एज। इसका आंसर आ जाएगा हमारा लिमो स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या होता है, अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें तो एक पॉइंट से ये ग्रूव्स जो है ये ओरिजिनेट होते हैं और इस तरीके से रेडिएट होंगे। तो जब सरफेस पे हमें दिखेगा तो इस तरीके का जॉइंट पैटर्न दिखेगा, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा लिमोस स्ट्रक्चर, यानी कि बी। क्वेश्चन नंबर 52, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कॉम्बिनेशन वुड यू एक्सपेक्ट you should expect to find while carrying out field work in a fault or shear zone। तो striations का unspecified contact भी है, pseudoductile gauge and mylonite, ये करेक्ट आंसर है इसका। तो जो pseudoductile है ये फ्रैक्शनल हीटिंग की वजह से बनता है, जो कि फॉल्ट जोन में देखा जाता है। गॉज भी में बनता है और mylonite भी फॉल्ट जोन में बनते हैं, तो ये करेक्ट आंसर रहेगा इसका भी। क्वेश्चन नंबर 53, इन अ स्ट्रक्चर कंटूर मैप an area is entirely enclosed by one or more contours, the structure is known as। इसका आ जाएगा हमारा स्क्यूपॉन स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रोज डायग्राम्स आर करेक्ट। द इंटरवल ऑफ अजीमुथ आर प्लॉटेड एज पाई शेप सेट सेगमेंट्स ऑफ ए सर्कल इन द ट्रू ओरिएंटेशन। ऑप्शन 2 है द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ मेजरमेंट हैविंग दैट ओरिएंटेशन। ऑप्शन 3 है हमारा रोज डायग्राम्स आर यूज फॉर डिस्प्लेइंग फीचर्स एज डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट एंड स्ट्राइक ऑफ द वर्टिकल जॉइंट। एंड ऑप्शन 4 है हमारा रोज डायग्राम्स आर हिस्टोग्राम्स फॉर विच ओरिएंटेशन एक्सिस इज ट्रांसफर्ड इनटू अ सर्कल टू गिव टू एंगुलर प्लॉट। तो ये क्वेश्चन हम बाद में देखते हैं। क्वेश्चन 55, विच वन अमंग द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। तो हमको ये मैच करना है, तो देखा जाए अगर तो मोनोक्लिनिक सिस्टम जो है इसमें 2m रहता है, तो ये इनकरेक्ट है। ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम में ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम का ये आ जाएगा, तो ये भी इनकरेक्टली पेयरिंग अच्छी ठीक नहीं हुई है। हाँ, टेट्रागोनल सिस्टम जो है ये सेम सिमेट्री दिखाता है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा टेट्रागोनल, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 56, द मिनरल पायराइट बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ आइसोमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम। तो जैसा इस बच्चे ने यहाँ पे मार्क किया है हेक्साऑक्टाहेड्रल क्लास, लेकिन एक्चुअली ये गलत ऑप्शन रहेगा, कन्फ्यूजन रहता है यहाँ पे। इसका करेक्ट आंसर रहेगा डाइप्लोइडल क्लास। डाइप्लोइडल क्लास के 24 फेसेस होते हैं, जो कि हाफ ऑफ हेक्साहेड्रन है, हेक्साहेड्रन रहता है। तो डाइप्लोइड टाइप जो है इसके 2 डाइप्लोइड्स होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, दैट इज 3-1 एंड 3-1-1 मिलर इंडाइसेस। तो कॉम्बिनेशन दोनों का जब बनता है तब हेक्साऑक्टाहेड्रल बनता है, बट इसका ट्रू अगर देखा जाए तो इसका डाइप्लोइड क्लास आएगा। क्वेश्चन नंबर 57, अ क्रिस्टल फेस दैट हैज़ एन इंटरसेप्ट ऑफ 6a is to 4b एंड इन्फिनिटी c, द अप्रोक्सीमेट मिलर इंडाइसिस फॉर द फेस विल बी। इसका ऑप्शन मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा क्या आएगा थोड़ी देर बाद। क्वेश्चन 58, द टेट्राहेड्रल रिपीट डिस्टेंस इन ए पायरोक्सिनॉइड चेन। ये यहाँ पे बात कर रहा है पायरोक्सिनॉइड चेन की, जो कि सिंगल चेन सिलिकेट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो रिपीट डिस्टेंस रहता है वो 5:2a का रहता है। क्वेश्चन नंबर 59, लिजार्डाइट बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल ग्रुप्स। तो ये सर्पेंटाइन ग्रुप का मिनरल है। क्वेश्चन 60, कार्बोनाइट बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिलिकेट ग्रुप्स। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा सोरोसिलिकेट्स, क्योंकि ये कार्बोनाइट जो है ये कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म में बनता है, तो इसका आंसर रहेगा सोरोसिलिकेट्स। क्वेश्चन 61, कंसिडर द फॉलोइंग क्वार्ट्जाइट रॉक फॉर्मेशन ऑफ इंडिया। एटलाकोंडा क्वार्ट्जाइट, श्रीसाइलाम क्वार्ट्जाइट एंड गुलचेरू क्वार्ट्जाइट। तो इनमें से हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है, ओल्डर टू यंगर। तो ओल्डर अगर आपको याद हो तो ये बात कर रहा है कोडप्पा सुपर ग्रुप की, जिसमें सबसे ओल्डेस्ट जो है वो गुलचेरू आ जाता है, गुलचेरू क्वार्ट्जाइट। उसके बाद वंपाले शेल आता है, देन पुलिवेंद्ला क्वार्ट्जाइट, उसके ऊपर तार पटरी शेल ओवरलाई करता है, देन बैरनकोंडा, देन कंबम शेल, देन एटलाकोंडा क्वार्ट्जाइट, उसके बाद कोलमनाला शेल एंड देन श्रीसाइलाम क्वार्ट्जाइट। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस जो है वो 3, 1 and 2 रहेगा। क्वेश्चन 62, द विंध्यन सुपर ग्रुप कंसिस्ट ऑफ लोअर विंध्यन एंड अपर विंध्यन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द विंध्यन सुपर ग्रुप इज नॉट करेक्ट। द कैमूर ग्रुप इज डोमिनेटेड बाय calcareous rocks and has perceived stromatolites. The lower Vindhyan is dominated by calcareous rock and excellently preserved stromatolite. The Kaimura and Rewa groups are mostly consisting of silicilicate rocks. ठीक है, the basal conglomerate occurs at the base of Semri group. तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि यहाँ पे Semri group जो है वो ओवरलाई कर रहा है हमारा बिजावर ग्रुप के ऊपर जो कि आर्कियन रॉक्स है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा. इसने नॉट करेक्टेड पूछा तो ऑप्शन डी आंसर रहेगा हमारा. क्वेश्चन 63, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉसिल इज रिपोर्टेड फ्रॉम बोथ कलतगी ग्रुप एंड एज वेल एज Semri ग्रुप. तो इसका सिंपल आंसर है कोलिनिया स्पीशीज, जिनमें हमने डिस्कस किया है. कोलिनिया वज्रकारी बहुत फेमस है, वज्रकारी और कोलिनिया कोलुमनारिस, ये दो स्पीशीज पाई जाती हैं वहाँ पे. क्वेश्चन 64, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग उमारिया मरीन बेड एंड मनेंद्रगढ़ मरीन बेड. तो ये फिर से स्ट्रेटिग्राफी का क्वेश्चन है. अब जो उमारिया बेड जो है ये तालचीर के ऊपर है और तालचीर में हमें मिलता है MNB. तो ऑब्वियसली UMB जो है ये ऑप्शन हमें यहीं पे पता चला गया गलत है, ये ऑप्शन ठीक है. फिर थर्ड ऑप्शन हमारे पास बोथ UMB एंड NMB हैव यील्डेड डिफरेंट असेंबलेज ऑफ फॉसिल, ये भी करेक्ट है. तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 and 3 ओनली. क्वेश्चन 66, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आइलैंड आर्क्स. नंबर 1 इज दे आर लॉन्ग कर्व चेन्स ऑफ ओशियनिक आइलैंड फॉर्म बाय इंटेंस एंड प्योर रायोलिटिक वोल्केनिज्म. तो यहाँ पे एक्चुअली ये क्वेश्चन ऑप्शन गलत रहेगा. ठीक है, एक्टिव वोल्केनिक चेन होती है और प्योरली रायोलिटिक वोल्केनिज्म नहीं होता है यहाँ पे. तो सेकंड ऑप्शन है हमारे पास, दे आर लॉन्ग कर्व चेन्स ऑफ वोल्केनिक आइलैंड्स फॉर्म्ड बाय इंटेंस एंड एसिटिक वोल्केनिज्म, ये भी ठीक है. द मोस्ट आइलैंड आर्क्स ओरिजिनेट ऑन द ओशनिक क्रस्ट बिटवीन द ओशनिक ट्रेंचेज एंड कॉन्टिनेंटल एरिया. तो इसका ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास 2 and 3 ओनली. क्वेश्चन 66, लोअर कैम्ब्रियन ट्राइलोबाइट रेडलिचिया इज नोन फ्रॉम, इसका आंसर है हमारे पास न्यूबुलर शेल जो कि सॉल्ट रेंज से मिलता है हमको. क्वेश्चन 67, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मेटल एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग ओर मिनरल इज करेक्टली मैच्ड. तो पहला ऑप्शन है निकल पेंटालैंडाइट. तो पेंटालैंडाइट जो है वो आयरन और निकल का सल्फाइड होता है, तो ये ऑप्शन ठीक है. जिंक एंड गैलेना, तो करेक्टली हमारा ऑप्शन तो यहीं पे आ जाएगा, बट और भी ऑप्शन देखते हैं, कुछ कभी कभार रेलिवेंस पे भी होता है सवाल. तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास जिंक एंड गैलेना, तो गैलेना जो है वो लेड का ओर है. टाइटेनियम एंड कैसेट्राइट टिन का और है, टाइटेनियम का नहीं, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है. वोल्फ्रामाइट जो है ये आयरन मैग्नीज और टंगस्टेट का मिनरल है, तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा ए. क्वेश्चन 68, एंड इंटरलेसिंग ऑफ मिनरलाइज्ड वेनलेट्स ट्रेवर्सिंग होस्ट रॉक्स इज नोन एज, ये आ जाएगा हमारा टॉकवर्क्स. इसमें होस्ट बॉडी में पूरा वेनलेट्स जैसे बने होते हैं, नेटवर्क होता है, मैश की तरह बन जाता है वेनलेट्स का, तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी. क्वेश्चन 59, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रेफर टू प्रेसिपिटेशन एंड ग्रोथ ऑफ मिनरल्स इन वेन्स एग्जिबिटिंग अ बैंडेड अपेयरेंस. तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास क्रस्टिफिकेशन. ठीक है, इसमें बैंड लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं, लाइक कोई भी अगर कैप हो तो छोटे छोटे क्रिस्टल्स डेवलपमेंट स्टार्ट होती है इनवर्ड्स की तरफ, अंदर की तरफ, दोनों साइड से, और उसके बाद सेकेंडरी लेयर भी बन जाती है जब तक ये पूरा पोर्शन फिल ना हो जाए, तो ये बैंडेड स्ट्रक्चर दिखाएगा हमको. क्वेश्चन 70, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल असेंबलेज रेफर्स टू ब्लैक ओर एसोसिएटेड विद क्रोको टाइप डिपॉजिट्स. तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा स्फेलेराइट, गैलेना एंड बेराइट, क्योंकि ये बात कर रहा है क्रोको टाइप डिपॉजिट्स की जो कि जापान का वो है. एक्चुअली इसका ऑप्शन तो ये रहेगा, बट कुछ लोग मैग्नेटाइट देख के, क्योंकि मैग्नेटाइट को ब्लैक ओर कहा जाता है, तो इस पर ना जाए, और हमारा करेक्ट ऑप्शन सी रहेगा. क्वेश्चन 71, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एलुवियल प्लेसर्स इज नॉट करेक्ट. तो ऑप्शंस देखते हैं. एलुवियल प्लेसर्स आर फॉर्म ड्यू टू मेंडरिंग ऑफ रैपिडली फ्लोइंग स्ट्रीम. ठीक है, एलुवियल प्लेसर्स आर फॉर्म अपॉन हिल स्लोप्स. एलुवियल प्लेसर्स आर फॉर्म्ड विदाउट स्ट्रीम एक्शन, ये ऑप्शन स्टार्टिंग में गलत लग गया. एलुवियल प्लेसर्स आर कंसिडर एज इनिशियल स्टेज इन फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रीम प्लेसर. ठीक है, तो इसका आंसर हमारा सी रहेगा. क्वेश्चन 72, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑल्ट्रेशन ड्यूरिंग मिनरल डिपोजिट फॉर्मेशन. स्टेटमेंट 1 है इनकी, पॉर्फिलिटिक ऑल्ट्रेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मॉन्टमोरेलोनाइट, पाइराइट एंड टोरमलिन. ठीक है, Phenetization is associated with carbonate hosted deposit and is characterized by development of talc, serpentine and orthoclinic। तो इसके दोनों ऑप्शंस करेक्ट। क्वेश्चन 73 मैच करने को बोला है डिपॉजिट टाइप को प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन से। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं स्ट्रेटिफॉर्म क्रोमाइट। अब यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शंस हैं लिक्विड रेजिडुअल लिक्विड सेग्रीगेशन, लेट मैग्मेटिक इंजेक्शन, लिक्विड एमिसिबिलिटी एंड अर्ली मैग्मेटिक। तो जो स्ट्रेटिफॉर्म क्रोमाइट जो है वो अर्ली मैग्नेटिक स्टेजेस पे बन जाता है, तो हमारा इसका ऑप्शन रहेगा A का 4। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन में आ जाएं तो A का 4 2 के पास है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अगर A का 4 है तो D का 1 यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इस तरीके से भी हम ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो टाइटेनिफेर मैग्नेट ये लिक्विड सेग्रीगेशन से बनता है, तो हमारे पास ये दो ऑप्शन हैं एट प्रेजेंट। तो उसके बाद वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जो पैग्माटाइट है हमारा ये लेट मैग्नेटिक इंजेक्शन से बनता है, तो हमारे पास सॉल्यूशन मिल चुका है, हमारा ऑप्शन आ जाएगा ए। क्वेश्चन 74 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ मेटासोमैटिक मिनरल डिपॉजिट्स। तो स्टेटमेंट 1 दी है इन्होंने, मैफिक अल्ट्रामैफिक इंट्रूसिव्स आर कॉमनली अटैच्ड एसोसिएटेड विद मेटासोमैटिक डिपॉजिट एज दे कैन एक्सपेल लार्ज क्वान्टिटी ऑफ मिनरलाइजेशन फ्लूइड्स कंपेयर टू फेल्सिक इंट्रूजन। इनका कहना है कि अल्ट्रामैफिक ज़्यादा वो करते हैं, तो ये गलत है। एक्चुअली जो फेल्सिक रहता है वो ज़्यादा वो डिपॉजिट्स यील्ड करते हैं, तो ऑप्शन 1 गलत है। कार्बोनेट और स्ट्रॉक मैनी मेटासोमेटिक डिपॉजिट्स कंपेयर टू एरिनेशियस सेडिमेंट्री रॉक, तो ये ठीक है, तो ऑप्शन सी आ जाएगा हमारे पास 2 ओनली। क्वेश्चन 75 अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल वेदरिंग कंडीशन रॉक सच एज ड्यूनाइट एंड पेरिडोडाइट अंडरगो लेटराइजेशन। Which one of the following silicate mineral is formed in such laterites? तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा garnierite। 76 grain size sorting is extremely poor in, इसका आंसर आ जाएगा हमारा glacial deposits। पूरा purely unsorted material होता है जिनको हम tills भी बोलते हैं। Question 77 which one of the following type of grain contacts signifies maximum amount of compaction in sandstone? Convexo concave, sutured, long and point contact। तो देखा जाए तो ये सारे ही आते हैं अलग अलग स्टेजेस पे, बट जब किसी भी सैंडस्टोन का कंपैक्शन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले वो टेंजेंशियल कॉन्टैक्ट दिखाता है, देन कंपैक्शन बढ़ती जाएगी तो वो लॉन्ग दिखाएगा, फिर और कंपैक्शन बढ़ेगी तो वो कन्वेक्स कॉन्टैक्ट दिखाता है। पर जब एक स्टेज ऐसा आता है कि वो हाईली कम्पैक्ट रॉक बन चुका है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंपैक्शन उसी में देखने को मिलेगी, वहाँ पे हमें फ्यूचर कॉन्टैक्ट दिखते हैं, जहाँ पे ओरिजिनल जो उसका फ्यूचर होगा या कॉन्टैक्ट होगा वो ख़त्म हो जाता है, तो इसका ऑप्शन रहेगा बी। Question 78 in a sedimentary rock different portion of gravel, sand and mud sized grains are present, what should be the minimum requirement percent of gravel component to classify the rock as a conglomerate? तो इसका ये ठीक है 30% आ जाएगा इसका। Question 79 which one of the following biogenic structures can be categorized as bioerosion structures? तो इसका बोरिंग आंसर है। Question 70 in modern oceanic basins sulfacose occurs in, ठीक है ये पहले इसने ऑप्शन ये करे थे, बाद में और सब ल्यूटोरल कर दिया, तो ये करेक्ट आंसर है सब ल्यूटोरल जोन। क्वेश्चन 81 विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड सेंस ऑफ डायरेक्शन ऑफ ग्रेड मूवमेंट? तो ऑप्शन है हमारे पास पार्टिंग लिनिएशन, लॉन्गिट्यूडनल रिज, गटर एंड प्रॉड मार्क्स, तो पार्टिंग लिनिएशन के साथ जाएंगे। क्वेश्चन 82 क्रिस्टल्स, क्रिस्टल फ्रेगमेंट्स, ग्लास फ्रेगमेंट्स एंड रॉक फ्रेगमेंट्स दैट हैव बीन रिलीज्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वॉल्केनिक रॉक by weathering or erosion and transported from their place of origin by air, water or ice are known as। तो इसका ऑप्शन आएगा एपिक्लास्ट, ठीक है ये बाद में आते हैं इरोजन के बाद, तो जबकि पायरोक्लास्ट जो है वो डायरेक्ट वॉल्केनो से आएंगे। क्वेश्चन 83 अ ग्रेन सपोर्टेड कार्बोनेटेड रॉक with intergranular spaces occupied by clay and fine silt size particle size is called as packstone। तो ऑप्शन सी हमारा इसके लिए। क्वेश्चन 84 एप्सिलॉन क्रॉस स्ट्रेटिफिकेशन इज कैरेक्टरिस्टिकली फॉर्म्ड इन, इसका ऑप्शन आ जाएगा मिंडरिंग चैनल, ठीक है तो यहाँ पे क्योंकि ये पॉइंट पार्ट पे बनता है मिंडरिंग चैनल का पार्ट है ये। क्वेश्चन 85 डेब्री फ्लो प्रोडक्ट्स जनरली एज्यूम विच ऑफ द फॉलोइंग जियोमेट्रीज? तो इसका ठीक है ऑप्शन सी आ जाएगा इसका फ्लैट बेस विद कन्वेक्स टॉप। क्वेश्चन 86 विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स बियर्स द unequivocal signature of aeolian deposits? तो इसका हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा presence of common ripple drifts. 87. All calcium carbonate sediments with their original mixed mineralogy after diagenesis get transformed into इसका ऑप्शन आएगा बी हाई मैग्नेसाइट मैग्नीशियम कैल्साइट. मैग्नीशियम जो है कैल्शियम को रिप्लेस कर देगा. क्वेश्चन 88. द ओल्डेस्ट नोन बर्ड फॉसिल आर्क्यूपटेरिक्स वॉज रिकवर्ड फ्रॉम इसका आ जाएगा हमारा ये जर्मनी से मिला था बट लेट ज्यूरेसिक ऑफ जर्मनी इसका ऑप्शन है. क्वेश्चन 89. स्पीशिएशन अकरिंग इन प्लैंक्टोनिक और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन ईदर साइड ऑफ द लैंड बैरियर क्रिएटेड ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ सम ओपन गेटवे इज एन एग्जाम्पल ऑफ इसका ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास पेरीपेट्रिक स्पीशिएशन. क्वेश्चन 90. देर आर मेनी वेज टू एक्सप्लेन एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स इन फॉसिल्स इंक्लूडिंग पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम एंड फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म. अब ये दो अलग अलग कंसेप्ट्स के बारे में यहाँ पे बात हो रही है. इन दिस कंटेक्स्ट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ ट्राइलोबाइट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. तो ये थोड़ा सा इस पर क्वेश्चन पे टाइम कंज्यूमिंग है ये. इसका आंसर मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे. वन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोल इज नॉट करेक्ट. तो ऑप्शंस देखते हैं. पीट रिप्रेजेंट द फर्स्ट स्टेज इन फॉर्मेशन ऑफ कोल करेक्ट. लिग्नाइट हैज़ हाई मॉइस्चर कंटेंट करेक्ट. बिटुमिनस कोल हैज़ लो मॉइस्चर एंड हाई वोलेटाइल कंटेंट. ये जबकि नहीं होता है. इसका हाईएस्ट फॉर्म भी देखा जाए तो वो नियर अबाउट 30s 40s में वोलेटाइल कंटेंट रहता है उसमें. एंड एंथ्रासाइट हैज़ लो सल्फर कंटेंट. ये भी ठीक है. तो ऑप्शन सी हमारा गलत है यहाँ पे. तो ये करेक्ट ऑप्शन आएगा. क्वेश्चन 92. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पेट्रोलियम रिजर्वायर एंड कैप रॉक्स. तो स्टेटमेंट देखते हैं. क्ले हैज़ लो पोरोसिटी एंड लेस परमिएबिलिटी. ये यहीं पे गड़बड़ कर दिया. देयरफॉर इट इज़ नॉट अ सूटेबल रॉक रिजर्वायर रॉक. तो ऑप्शन गलत है. द मोस्ट सूटेबल रिजर्वायर रॉक्स आर सैंड्स एंड सैंडस्टोन. ये करेक्ट है. शेल एंड क्ले आर परवियस कैप रॉक्स एंड कैन नॉट रिटेन पेट्रोलियम. ये ऑप्शन गलत रहेगा. तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी दैट इज़ टू ओनली. क्वेश्चन 94. मैच करना है मिनरल डिपॉजिट को लोकेशन के साथ. तो देखा जाए तो डायमंड जो है ये डायमंड के लिए फेमस है. और मैग्नेटाइट हमारा चौक हिल्स में मिलते हैं. और अमरकंद तक पॉपुलर ही ऑक्साइड डिपॉजिट्स के लिए है. तो इसका ऑप्शन हमारे लिए ईजी रहेगा करना. तो अगर ए का 4 है तो हमारे पास यही दो ऑप्शन रह जाते हैं. और हमें पता है मैग्नेटाइट चौक हिल्स जो है मैग्नेटाइट के लिए पॉपुलर हैं. तो डी का 3. उसके बाद देख लेते हैं बॉक्साइट अमरकंद तक यानी कि सी का 1. तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाता है. बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन 94. द पोर वाटर प्रेशर एट द वाटर टेबल इन एन अनकन्फाइंड एक्वीफर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. करेक्ट है. मच ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर गलत है. तो हमारे पास ऑप्शन सही हमें पहले ही उसमें मिल गया. जबकि ये ऑप्शन भी गलत है. और नॉट डिपेंडेंट ऑन द एटमॉस्फेयर ये भी गलत है. इसका आंसर आ जाएगा ए. क्वेश्चन नंबर 95. द अमाउंट ऑफ वाटर हेल्ड इन सॉइल आफ्टर वेटिंग एंड सब्सिक्वेंट ड्रेनेज हैज़ बिकम नेग्लिजिबली स्मॉल इज कॉल्ड एज. इसको हम फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं. क्वेश्चन 96. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इफेक्टिव पोरोसिटी ऑफ रॉक्स. ऑप्शन देखते हैं. इफेक्टिव पोरोसिटी इज द पोरोसिटी अवेलेबल फॉर फ्लूइड फ्लो. ठीक है. effective porosity arises due to interconnected pore spaces. ठीक है. For unconsolidated porous media porosity and effective porosity always have different values. तो ये भी ठीक है. तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 1, 2 and 3. क्वेश्चन 97. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्वीफर प्रॉपर्टी. हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी इज अ फंक्शन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द पोरस मीडिया एंड द फ्लूइड पासिंग थ्रू इट. द इंट्रिंसिक permeability is a function of the fluid passing through the porous media only. ठीक. Intrinsic permeability is a function of the properties of the porous media only. तो इसका आंसर ऑप्शन हमारे पास जो बी है ये करेक्ट है 97 का. क्वेश्चन 98. मैच करना है हमको एक्वीफर प्रॉपर्टी और डायमेंशंस को. तो पहला ऑप्शन है पोरोसिटी है. तो हमें पता है पोरोसिटी हमेशा डायमेंशनलेस रहती है. ठीक है. उसके बाद देखते हैं हम हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी. तो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी जो है वो आ जाती है LT-1. तो हमारे पास पोरोसिटी ऑप्शन 2 था. तो हमारे पास ये दो ऑप्शन आ जाते हैं. हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑप्शन 1 बी का 1. तो हमारे पास आंसर यहीं पे आ गया दैट इज़ बी. बाकी आप मैच करके देख सकते हैं. क्वेश्चन 99. द एवरेज इंटरस्टिशियल वेलोसिटी ऑफ सैंड विद द इफेक्टिव पोरोसिटी ऑफ 25% इज इक्वल टू, तो इसका आ जाएगा हमारा ये 4 गुना बढ़ जाएगी, 4 टाइम्स द डार्सी वेलोसिटी। क्वेश्चन 100, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डार्सी लॉ इज करेक्ट। तो ऑप्शंस है डार्सी वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, डार्सी वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, डार्सी वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ये करेक्ट आंसर है इसका। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। और 101, द रेनॉल्ड्स नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी, इनर्शियल फोर्स डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्स। क्वेश्चन नंबर 102, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, NCH इसको बोलते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन पहले ही आ जाएगा, टोटल हार्डनेस माइनस एल्कलिनिटी। क्वेश्चन नंबर 103, इन एप्लीकेशन ऑफ द स्टेबल आइसोटोप फॉर ग्राउंड वाटर स्टडी द एस्टिमेटेड रिलेटिव फ्रैक्शनेशन इज एक्सप्रेस्ड एज डेविएशन इन पार्ट्स पर 10,000, पार्ट्स पर 100, पार्ट्स पर 10, पार्ट्स पर 1000, तो इसका ऑप्शन रहेगा डी, पार्ट्स पर 1000। क्वेश्चन 104, which one of the following does not come under spreading methods of artificial recharge to groundwater, तो बेसिन method है, stream channel method है, excess pumping method है और ditch and furrow method। इनमें से जो excess pumping method है ये spreading method में नहीं आते, ये बाकी सारे उसमें आते हैं, तो ऑप्शन सी इसका रहेगा क्योंकि इसने नॉट पूछा है, तो 104 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 105, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्टिफिशियल रिचार्ज ऑफ द ग्राउंड वाटर इज करेक्ट, तो ऑप्शन पहला है इट नेदर मेंटेन्स नॉर ऑगमेंट्स द ग्राउंड वाटर सोर्स, ये गलत हो जाएगा। इट कम्बैट्स सैलिन वाटर इंट्रूजन इन कोस्टल एरियाज, ये करेक्ट है। इट कम्बैट्स एडवर्स कंडीशन लाइक प्रोग्रेसिव लोअरिंग ऑफ द ग्राउंड वाटर लेवल, तो ये भी ठीक है, तो ऑप्शन 2 और 3 आ जाएगा हमारा, जो कि ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 106, एक्सोगैस्ट्रिक सिफेलोपॉड्स एग्जिबिट, ऑप्शन इज वेंटर ऑन द आउटसाइड एंड डॉर्सम ऑन द इनसाइड ऑफ द कॉइलिंग, वेंटर ऑन द इनसाइड एंड डॉर्सम ऑन द आउटर ऑफ द कॉइलिंग, ये ठीक है एक्चुअली। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन एंटर एंड डॉर्सम, ये गलत है। कंप्लीटली स्ट्रेट शेल, ये कर्व्ड रहता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन 107, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्रैकियोपॉड विद स्ट्रोपिक शेल्स, ये स्ट्रोपिक शेल्स की बात कर रहा है एक्चुअली। स्ट्रोपिक शेल्स वो हैं जहाँ पे जो हिंज लाइन रहेगी वो स्ट्रेट रहती है, और अगर हिंज लाइन कर्व्ड है तो वो नॉन स्ट्रोपिक शेल में आ जाएगा। टेरिब्रूटुला, रिंकोनेला, इनमें कर्व्ड रहता है हिंज लाइन, तो विस्बेला इसका करेक्ट आंसर आएगा, जिसमें हिंज लाइन स्ट्रेट रहती है, तो स्ट्रोपिक शेल इसी का होगा। क्वेश्चन नंबर 108, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैमरी ब्रांक रेंड्रा इज नॉट फाउंड इन रीसेट टाइम, तो इसका ऑप्शन आएगा सी, एक्सोगैरा, जो काफ़ी पहले एक्सटिंक्ट हो चुका है। बाकी पेक्टन भी लिविंग फॉसिल में गिना जाता है, ऑस्ट्रा भी हम लोग देखते हैं आजकल भी। 109, एवरी जियोलॉजिकल एरा इज सबडिवाइडेड based on evolution of some particular fossil group in the geological time scale, मैच करना है fossil group को geological time scale के साथ, तो कोनोडोंट्स जो हैं पैलियोज़ोइक में थे, जो कि जॉलेस एग्नेथन्स थे। उसके बाद अगर देखा जाए तो सेफेलोपोड्स जो आए हैं, सेफेलोपोड्स हमारे मेसोजोइक में, ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन आ गए 2, जो सी का 1 ऑप्शन आ जाएगा, जो कि हमारे ये 2 ऑल्टरनेटिव्स दे देता है, और हमारे पास आ जाएंगे सेफेलोपॉड बी का 4 सेम। तो आगे और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास ऑप्शंस जो हैं वो लार्जर फोरामिनिफेरा का है और प्लैंक्टोनिक फोरामिनिफेरा का, तो हमारे पास लार्जर फोरामिनिफेरा और प्लैंक्टोनिक फोरामिनिफेरा रह जाता है। तो लार्जर फोरामिनिफेरा ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो थोड़ा पहले आए हैं प्लैंक्टोनिक फोरामिनिफेरा से, तो हम लार्जर को पैलियोजीन में रखेंगे और प्लैंक्टोनिक को नियोजीन में रखेंगे, तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 110, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज ए मिडल प्लीस्टोसिन होमोनिन स्पीशी, होम्योसेपिन रिसेंट से, पैलेंथ्रोपस रोबस्टस और रेमिनिसेंस जो है बहुत पुराने हैं, तो ये मिडल प्लीस्टोसिन की बात कर रहा है, इसका आंसर आएगा होमो हाइडेलबर्गेंसिस। क्वेश्चन नंबर 111, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अर्ली हॉर्सेज वर ग्रेजर्स, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास पैराहिप्पस, जो कि मायोपस के बाद आए थे। अब ये ग्रेजर्स भी थे और ब्राउजर्स भी दोनों थे, तो पहला स्टेप था टुवर्ड्स मॉडर्न हॉर्सेज। क्वेश्चन नंबर 112, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एप्लीकेशन ऑफ फोरामिनिफेरा एंड अंडरस्टैंडिंग पैलियोशनोग्राफी एंड पैलियोक्लाइमेट इज नॉट करेक्ट, तो ऑप्शन ए है हमारे पास, स्टेबल आइसोटोप और स्टेबल ऑक्सीजन आइसोटोप कंपोजिशन जो O18 रहता है of planktonic foraminifera depend upon temperature of calcification and isotropic composition of ambient ocean water. ठीक है, closing and opening of the ocean gateways can be inferred from biogeographic studies of planktonic foraminifera. ठीक है, during glacial stages, O18 ratio of benthic foraminifera shows lower values and option D is during glacial stages O18 ratio जो है वो बढ़ जाता है. तो ये इसका ऑप्शन आ जाएगा D. 113. Which one of the following is not a corditalian leaf fossil? तो कार्डाइट्स जो है ये भी इसमें होगा, ये भी आएगा. इन दोनों में अभी कन्फ्यूजन है, तो इसका आंसर मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा. क्वेश्चन 114. The ostochords of the order Paleocopeida dominated the Paleozoic but were almost wiped out at the end of Permian. They are now represented by the lone enigmatic genus. ये इसका आंसर आएगा मनावा. ये न्यू फाइंडिंग्स हैं, तो इसका आंसर रहेगा ए मनावा. 115. मैच करने को बोल रहा है मदर एलिमेंट को डॉटर एलिमेंट से. तो ये अगेन कुछ सिंपल क्वेश्चन में आ जाता है, तो इसको आप सिंपली मैच भी कर सकते हो. C14 N14, यूरेनियम लेड, रुबीडियम, स्ट्रोंशियम एंड पोटेशियम आर्गन. तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा A का 4, ठीक है, B का 3, तो ये D ऑप्शन आ जाएगा इसका. 4, 3, 2, 1. क्वेश्चन 116. Rock formations deposited at the same stage of the Earth's evolutionary history are called as सिंटेक्शियल, डायटेक्शियल, मोनोटेक्शियल, होमोटेक्शियल. ये लास्ट ईयर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इसका आंसर है होमोटेक्शियल. क्वेश्चन 117. द प्रिंसिपल दैट फेसेस विच अकर इन कंफर्टेबल वर्टिकल सक्सेशंस ऑफ स्ट्राटा ऑल्सो अकर इन लेटरली एडजेसेंट मॉडर्न एनवायरमेंट इज नोन एज वेल्दर्स फेसेस ऑफ लॉ, वेल्दर लॉ फेस. क्वेश्चन 118. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एरा? तो सेनोजोइक एरा, ठीक है. ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन आ गया. मायोसिन, ट्रायोसिक, कैम्ब्रियन, ये पीरियड्स और इपॉक्स में आ जाते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स ऑफ द लिथोस्ट्रेटिग्राफिक यूनिट शो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एज ऑफ देयर फॉर्मेशन या डिपोजिशन? तो हमें यहाँ पे ओल्डर पहले रखना है, यंगर बाद में रखना है. तो इनके अगर ऑप्शन देखा जाए तो सार्कूर सिस्ट कॉम्प्लेक्स या सार्कूर ग्रुप जो है वो ओल्डर है, उसके बाद हमारे तो ऑप्शंस में आ जाएगा. ऑप्शन ए सार्कूर ग्रुप ओल्डर है, विंध्यन ग्रुप उससे यंगर है, गोंडवाना उससे भी ऊपर है और शिवालिक. तो पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा. दूसरे ऑप्शंस पे एक्सप्लोर करके देख लेते हैं, कोई और सही जवाब ना निकल जाए. ये गलत हो जाएगा. गोंडवाना, देन शिवालिक, देन विंध्यन, देन सार ग्रुप, ये भी गलत है. सार ग्रुप, शिवालिक, विंध्यन, तो ये भी गलत है. तो ऑप्शन ए ही रहेगा हमारे पास करेक्ट आंसर. क्वेश्चन 120 लास्ट क्वेश्चन है ये. द स्ट्रेटिग्राफिकल पोजिशन ऑफ द कुशालगढ़ लाइमस्टोन इज. ऑप्शन 1 इज अबव द अलवर ग्रुप एंड बिलो द अजबगढ़ ग्रुप. अलवर एंड अजबगढ़, अबव द अजबगढ़ ग्रुप एंड बिलो द अलवर ग्रुप, ये गलत रहेगा. यंगर देन द मालकनी वॉल्केनिक्स एंड ओल्डर देन द रयाल लाइमस्टोन, तो इसका करेक्ट आंसर ये रहेगा. इसी के बीच में, इन दोनों के बीच में ये कुशालगढ़ लाइमस्टोन का एक 700 मीटर्स का थिकनेस का एक बेड है. तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा 120 क्वेश्चन का. ये पेपर सॉल्विंग सेशन कंप्लीट होता है. तो आई होप सारे क्वेश्चंस का आंसर हम दे पाए अच्छे से, और जो क्वेश्चंस नहीं है उनका हम कमेंट सेक्शन में डाल देंगे. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.